एक साथ शहीद होते हैं, उनकी शहादत देश के लिए, पूरे समाज के लिए अस्वस्थ करने वाली बात है। बार बार ये हो रहा है। हमारी सरकार बोल रही है कि जम्मू कश्मीर में सब साथ नियंत्रण में है, सब ठीक है, लेकिन आज भी वहां टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं, हमारे जवानों के ऊपर हमले करते हैं, लेकिन सरकार दिल्ली में एक उत्सव मना रही है। कल भी रोड शो में थे हमारे प्रधानमंत्री, कभी जंगल में रहते हैं शूटिंग में। ये बात जो है ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। एक तो जम्मू कश्मीर में आप चुनाव नहीं करने जा रहे हो, आपने 370 हटाया है, तो आप लोगों के सामने जाइए ना, चुनाव कर लीजिए। लोगों को अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। आप कब तक इस प्रकार से देश पर राज करोगे, खास करके जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में। एक सवाल और, पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या उसमें इस मुद्दे को भी आप क्यों नहीं उठाएंगे? ये देश की सुरक्षा के मुद्दे है। अगर पार्लियामेंट अपने स्पेशल सेशन बुलाया है तो सिर्फ आपका एजेंडा पर नहीं काम होगा, एजेंडा देश का होना चाहिए। कल जरूर, कल के इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस मामले में जरूर चर्चा हुई है, फॉर्मूला भी तय हुआ है। स्टेट लेवल पर सबसे पहली चर्चा होगी, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां किसी न किसी की सरकार है जो इंडिया में है, तो सबसे पहले वहां चर्चा होगी, बाद में पूरा मामला आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कमेटी में। अगर कोई गड़बड़ है, कोई मतभेद है, तो हम सब लोग वहां यहां बैठकर निर्णय लेंगे।